एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल तेलंगाना में भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देने पहुंचे और डोर टू डोर जाकर जनता से आशीर्वाद लिया और कमल खिलाने की अपील की। कमल पटेल हैदराबाद में भी हरदा स्टाइल में नजर आए। तेलंगाना राज्य के विधानसभा चुनावों में भाजपा के किसान नेता एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल भाजपा के पक्ष में हरदा स्टाइल में प्रचार करते नजर आए। कमल पटेल ने कुतबुल्लापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कुनाश्री शेलम गौड़ के समर्थन में गुजरात समाज के लोगों के साथ बैठक कर गौड़ को भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कोरातला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी धर्मापुरी अरविंद के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की और आगामी रणनीति पर चुनावी टिप्स दिए। इसके बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपनी चीर परिचित शैली में बल्लापुर में डोर टू डोर जनता जनार्दन से जनसंपर्क और आशीर्वाद लेते हुए भाजपा के कमल को खिलाने का अनुरोध किया। भारत माँ की आरती, भारत माँ की आरती, कमल के फूल की जय, कमल के फूल की जय, कमल के फूल की जय। मैं कमल पटेल, मेरा नाम भी कमल ही है, चुनाव चिन्ह भी कमल है, वो किसान का बेटा और कृषि मंत्री हूँ मध्य प्रदेश। इसके पहले मैं रेवेन्यू मिनिस्टर रहा, राजस्व मंत्री, उसके पहले तकनीकी शिक्षा चिकित्सा शिक्षा मेडिकल एजुकेशन टेक्निकल मिनिस्टर 93 से एमएलए 93 से 35 साल का था, युवा मोर्चे में था और युवा मोर्चे की उससे शुरू किया। मेरा क्षेत्र हरदा, इटारसी जंक्शन, खंडवा इटारसी, ओंकारेश्वर गया हूँ कभी, इटारसी मैं, इटारसी से 90 किलोमीटर है हरदा, डिस्ट्रिक्ट है छोटा, पहले होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में था, नर्मदा जी जैसे आपके यहाँ कावेरी नदी, नर्मदा है उसका नाभि स्थल है, बिल्कुल सेंटर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।